कोरोना के खौफ में कसौली वासियों के लिए एक खुशी की खबर ये है कि कल जो कोरोना वायरस का संदिग्ध अंबाला से भागकर कसौली आ गया था, अब वे वापस लौट गया है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने मीडिया को दी। कल जैसे ही ये खबर की जानकारी कसौली और सोलन वासियों को लगी थी तो यहाँ दहशत का माहौल देखा गया था। कोरोना के खौफ में कसौली वासियों के लिए खुशी की खबर ये है कि कल जो कोरोना वायरस का संदिग्ध अंबाला से भागकर कसौली आ गया था, वे वापस लौट गया है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने मीडिया को दी। कल जैसे ही ये खबर की जानकारी कसौली और सोलन वासियों को लगी थी तो यहाँ दहशत का माहौल देखा गया। सभी को ये भी इस्तार रहा था कि उस व्यक्ति से कहीं ये वायरस सोलन में ना फैल जाए, जिसको लेकर गुप्तचर विभाग और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। उसके फोन भी बंद चल रहे थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि जो व्यक्ति अम्बाला से भागकर कसौली आ गया था, वह अब कसौली से वापस अम्बाला चला गया है, जिसकी सूचना उन्हें अम्बाला स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि दो भाई कोविड से भारत आए हैं जो कोरोना के संदिग्ध थे, जिनमें से एक भाई का इलाज चल रहा था और दूसरा वहां से भाग आया था। वह जहां रुका था उस जगह की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही वह जिन जिन लोगों से मिला था उनकी भी तलाश जारी है। कसौली के मामले में ऐसा है कि पहले तो वो फरार था, पर अभी थोड़ी देर पहले हमारे को ज्ञात हुआ है कि वो अम्बाला में हॉस्पिटल में पहुंच गया है और ऐसा कोई वो केस नहीं है। अभी संदिग्ध ही है। वो दो भाई कुवैत से आए थे 5 तारीख को और उसमें से एक भाई को बुखार कहाँ से हो गया था, पर उसकी भी कोई टेस्ट की पुष्टि हमारे पास नहीं है। बाकी वो कसौली में जहाँ ठहरा था और उसको हमने घर वालों को भी क्वारंटाइन और उसे करने के लिए सारे आदेश दिए थे।